समय की लहरों के साथ हम कभी उठते हैं और कभी गिरते हैं और चलते चले जाते हैं। हम समय को पकड़ना चाहते हैं, समय को काबू में करना चाहते हैं, लेकिन समय मुट्ठी में नहीं आता। ये ठीक उस तरह है जैसे हम चांद के पीछे पीछे चांद को पकड़ने के लिए दौड़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चांद हमसे उतना ही और आगे बढ़ता चला जाता है। जिंदगी में सुख और दुख ज्वार भाटे की तरह है, ये क्षणिक दृश्य है। सुख आया और गायब हो गया, आनंद की एक लहर आई और वापस समुद्र में समा गई, और दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं। जीवन के इस प्रवाह में हम हांफने लगते हैं, हमें थकान आ जाती है। ये अनवरत भाव है, लेकिन पहुंचना कभी नहीं, कहीं नहीं। मंजिल तो कोई है ही नहीं, मंजिल पास आते ही फिर दूर हो जाती है। तट की दूर की झलक भी नहीं मिलती, किनारा दिखाई देता है लेकिन किनारा आता नहीं, क्योंकि किनारा कहीं है ही नहीं। हम जन्म जन्मांतर से उन द्वारों पर व्याकुल प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो द्वार खुलते नहीं, और खुल जाते तो हम यहां नहीं होते। हम प्रकाश की एक किरण पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें पथरा जाती हैं, प्रकाश की वो किरण हमें दिखाई नहीं देती। और जब हम जीवन के ऊंचे और सकरे पुल पर खड़े होकर नीचे झांकते हैं, देखते हैं, तो संघर्षरत कृदन करते और अट्टहास करते लोगों को, कोई संघर्ष कर रहा है, कोई संघर्ष से टूटकर रो रहा है, कोई छोटी सी सफलता हासिल करके अट्टहास कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि किस पल उससे ये हंसी छिन जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि अंधकार त्योरी चढ़ाए खड़ा है और कहता है, आगे कदम न रखो, यही सीमा है, भाग्य को ललचाओ मत, सहन करो। अपनी सीमाओं को पहचानो, जीतने के बाद रुक जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश न करो। लेकिन हाय ये तृष्णा हमें रुकने नहीं देती, थोड़ा हासिल करते हैं और पाने की अभिलाषा बढ़ती चली जाती है। इस सब के बावजूद भी सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए परमात्मा की इच्छा में मिल जाओ। इस जीवन में परमात्मा का प्याला पीकर उन जैसे बन जाओ, सुख और दुख से परे दृष्टा हो जाओ, सिर्फ देखते रहो। सुख आए आने दो, दुख आए आने दो, एक दर्शक की भांति किनारे पर बैठकर लहरों के आने जाने को बस देखते रहो। भावनाओं के साथ बहो मत, भावनाओं की लहरों के थपड़े में पड़ो मत। भावनाएं आएंगी, लहरों की तरह ऊपर उठेंगी, फिर नीचे चली जाएंगी। सच्चाई हो अच्छाई हो, सुख हो दुख हो, सफलता हो असफलता हो, समर हो समभाव ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। यह धरती बुलबुले सी भटक रही है, यह खोखली है, मेरा यह नाम खोखला है, यह जन्म मरण मेरे लिए निरर्थक है, क्योंकि यह नाम रूप स्थाई नहीं है। कब नाम बन जाए और कब बिगड़ जाए मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो उस द्वार के खुलने की प्रतीक्षा है, और मेरे लिए उस द्वार को खुलना ही होगा। ओ मां, प्रकाश के द्वार खोलो, मां तुम्हारा थका हुआ बालक हूं मैं घर आना चाहता हूं, घर आना चाहता हूं, अब मेरा खेल समाप्त हो चुका। तुमने मुझे अंधियारे में खेलने को भेज दिया और भयानक आवरण ओढ़ लिया, तभी आशा ने संग छोड़ दिया, भय ने आतंकित किया,
और यह खेल एक कठिन कर्म बन गया। इधर से उधर लहरों के थपेड़े झेलना, उद्दाम लालसाओं और गहन पीड़ाओं के उफनते हुए उत्ताल तरंगों से पूर्ण महासागर में सुख की आशा में, जहां जीवन मृत्यु सा भयानक है और जहां मृत्यु फिर नया जीवन देकर उसी समुद्र की लहरों में सुख दुख के थपेड़े सहने को धकेल देती है, जहां बच्चे सुनहरे सुंदर चमकीले स्वप्न देखते हैं और जो धूल में ही मिलते हैं। जरा पीछे मुड़कर देखो, खोया हुआ जीवन जैसे जंग की ढेरी, बहुत देर से उम्र को ज्ञान मिलता है, जब पहिया हमें दूर पटक देता है, नए स्फूर्त जीवन अपनी शक्तियां इस चक्र को पिला देते हैं, जो चलता रहता है अनवरत दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष। यह केवल है माया का एक खिलौना, झूठी आशाओं इच्छाओं सुख दुख के अरों से बना यह पहिया। मैं भटका हूं, पता नहीं किधर चला जाऊं, मुझे इस आग से बचाओ, रक्षा करो दयामयी मां, इन इच्छाओं में बहने से बचाओ, अपना भयावना रौद्र मुख न दिखाओ मां, यह मेरे लिए असह्य है, मुझ पर कृपा करो, दया करो मां, मेरे अपराधों को सहन करो मां, मुझे उस तट तक पहुंचाओ जहां यह संघर्ष न हो, इन पीड़ाओं इन आंसुओं और भौतिक सुखों से परे, जिस तट की महिमा को ये रवि शशि उद्गण और विद्युत भी अभिव्यक्ति नहीं देते, महज उसके प्रकाश का प्रतिबिंब लिए फिरते हैं। ओ मां, ये मृग पिपास भरे स्वप्नों के आवरण तुम्हें देखने से मुझे न रोक सके, मेरा खेल खत्म हो रहा है मां, ये श्रृंखला की कड़ियां तो मुक्त करो मुझे, मुक्त करो मुझे, मुक्त करो।